तो एक बार कल का रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर, उसके बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो कल का रिवीजन 2 मिनट में हम लोग बैक लेंगे। दो मिनट में कल की बैक क्लास देखो बेटा। ओम्स लॉ हमने पढ़ा सबसे पहले, तो ओम्स लॉ के अंदर हमने स्टडी किया कि जो करंट जो है किसी भी कंडक्टर कोई भी वायर से जो करंट जाता है बेटा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके अक्रॉस हमने कितना हमने क्या लगा रखा है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमने उसको, ठीक है? तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी है बेटा, आपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना बहुत जरूरी है, ये हमने कल कर लिया था बेटा, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और ये जब हटाएंगे तो सिंबल आता है कौन सा बेटा, रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस, ठीक है? ये हमारा क्या था ओम्स लॉ का रिलेशनशिप बना हमारा एक, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है हमारे लिए बेटे, ठीक है? V इज इक्वल टू आई आर, एक हमारा एक फॉर्मूला बना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना, राइट? उसके बाद देखो बेटा हमने क्या सीखा कि रेजिस्टेंस होता क्या है, हमने आर का मतलब बताया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो रेजिस्ट करता है, रोकता है, अपोज करता है, किसको, फ्लो ऑफ चार्ज को। रेजिस्टेंस का मतलब ही समझ आ रहा है, रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना, कोई चार्ज है इधर से इधर फ्लो कर रहा है, यहां से इसको रोकेगा चार्ज को कि नहीं जाना इधर को, ठीक है? तो इट अपोजिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है? तो रेजिस्टेंस क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसकी वजह से अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, ठीक है? न्यूमेरिकली किसके इक्वल होएगा आर, किसके इक्वल होएगा, बी बाय में आई के, बी बाय आई क्या होता है, आर होता है हमारे पास, ठीक है? तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड इसको हमने दूसरी तरीके से भी डिफाइन करना है, न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, उसकी रेशियो होती है, राइट? अच्छा, रेजिस्टेंस की एसओ यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ओम होती है, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है? 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे हम लोग इसके अक्रॉस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट, ठीक है? तो 1 ओम क्या होता है आपके पास, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, समझ आया? रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट, समझ आ गया ना? ये सब हम लोग कल कर चुके थे इनका। उसके बाद एक एक्टिविटी बताई थी मैंने आपको, ठीक है? एक्टिविटी में मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, एक नाइक्रोम की हमने एक वायर ली थी, यहां हमने क्या लगाया था, एक एमीटर, यहां पे हमने की लगाई थी, ठीक है? पेपर में आता है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर, इसके लिए बेटा ओम्स लॉ, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको एक डायग्राम भी आना चाहिए अच्छे से, और यहाँ पर आप ऐसे रोटेट बनाया था आपने, या तो ऐसे तो जहां आपने कनेक्ट करना है वहां कर देंगे, ऐसे ही था ना बेटा? लेकिन इस डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या लगाया था हमने, वोल्ट मीटर, इधर वाला एंड प्लस है ये माइनस, तो इधर भी प्लस माइनस ऐसे आएगा, ये प्लस माइनस, या रेजिस्टेंस आर लिखना पड़ेगा, या की है के लिखो इसको, या बी वोल्ट है, बैटरी मीटर, समझ आया नहीं आया उधर, ठीक है? तो ये सब चीजें लिखनी बहुत जरूरी है। डायग्राम हमने बना लिया था ना कल, ठीक है? ध्यान रखेंगे, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट? ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं और हमें पता भी है अच्छे से। अब हमने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक सेल कनेक्ट किया, यहां से इसको कनेक्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड, वोल्टमीटर रीडिंग, और साथ में एमीटर रीडिंग, एमीटर का मतलब आई, और क्या निकाला था उसके बाद, वी बाय आई निकाला था, ये किया था ना हमने कल, ठीक है? तो जिसने भी नहीं किया हुआ हमारी पिछली रिकॉर्डिंग आप लोग सुन सकते हो, इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? तो जब नंबर ऑफ सेल एक ही कनेक्ट किया बेटा हमने, तब उस टाइम मान लो वोल्ट मीटर में थी 2 वोल्ट थी, करंट कितना जा रहा था, मान लो
वन एम्पियर जा रहा था, तो कितना आएगा ये? जब दो सेल कनेक्ट कर दिए तो वोल्ट मीटर में चार हो गए, यहाँ दो हो गया, तीन कर दिए तो यहाँ छह हो गया, यहाँ तीन हो गया, चार कर दिए तो आठ और चार हो गया। लेकिन V upon I सभी के लिए क्या रहा? कॉन्स्टेंट रहा, उसी V upon I को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये सब एक्टिविटी भी हम कर चुके थे, डिटेल में इसको आपको आराम से समझा दिया था अच्छे से, ठीक है। आज हम एक बार दोबारा रिवीजन कर लिया हमने इसको, राइट। उसके बाद हमने सीखा था कि जो स्लोप होता है वहां से शुरू करता हूँ बेटा मैं आपसे, यहाँ से आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना बेटा। स्लोप से जो स्लोप होता है किसका? वी आई ग्राफ का। वी आई ग्राफ का मतलब क्या है? ये देखो ये आपका ग्राफ है, इधर आप इसकी V ले रहे हो, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट है। एक तरफ आप V ले रहे हो और एक तरफ I ले रहे हो। VI का मतलब ये Y एक्सिस वाला V लिया आपने, I इधर आपने लिया बेटा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस एक्सिस लेते हो, टाइम एक्सिस लेते हो ना। तो VI ग्राफ के अंदर V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I का मतलब करंट। समझ आ गया इतना सर? तो आपका ग्राफ क्या बना था? ये बना था, ऐसे बना था ना, याद होगा ग्राफ, लीनियर ग्राफ बना था इसके अंदर। इसका जो स्लोप होता है, स्लोप होता है ये हमेशा एंगल, स्लोप होता है टेंजेंट थीटा को हम स्लोप बोलते हैं बेटा, ठीक है। स्लोप हमें क्या देता है? स्लोप होता है क्या? परपेंडिकुलर बाय माय बेस। ये परपेंडिकुलर देखो, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है आपको, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या है इसका बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बेटा? इस साइड वी है ना, बेस में क्या आ रहा है बेटा? आई आ रहा है। तो वी आई अपॉन वी अपॉन आई क्या आता है बेटा? वी अपॉन आई क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ आपको क्या देता है बेटा? रेजिस्टेंस देता है। ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ इसको अच्छे से बेटा। स्लोप ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। लेकिन जो क्वेश्चन अराइज हो रहा था, जहां बच्चों को डाउट आया था, वो क्या आया था? जब मैंने वी आई ग्राफ की जगह मैंने क्या किया था? आई वी ग्राफ कर दिया था। आई वी ग्राफ का मतलब समझते हैं हम लोग। आई वी ग्राफ का मतलब ये आई इधर कर दिया करंट और वी इस साइड ले लिया। स्लोप तो अभी भी यही है इसका, ठीक है। स्लोप तो अभी भी यही है, ये इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं। यहां पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर हो गया ये और ये क्या इसका बेस है। स्लोप निकालूंगा अभी भी, आप से निकाल लेना। स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट थीटा होता है ना बेटा। परपेंडिकुलर इस वाली क्या है बेटा? ये आई है, बेस क्या इस वाली? वी है। तो वी आई अपॉन वी आया बेटा, वैसे स्लोप आई अपॉन वी आया स्लोप इस वाली। तो मतलब आई वी ग्राफ के अंदर जो स्लोप आता है वो आई अपॉन वी आता है। आई अपॉन वी का मतलब होता है रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया ना ये। क्यों? रेजिस्टेंस क्या होता है? वी अपॉन आई, ये हो गया वन अपॉन आर। ये हम लोग कल कर चुके हैं सारा यहाँ टॉपिक, ठीक है। तो वन अपॉन आर को एक स्पेशल नेम दिया गया, कंडक्टेंस। आप इसको सी से डिनोट कर दो। सी क्या है? वन अपॉन आर है, उल्टा है उसके बेटा रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां तक आप लोग कल क्लास में अच्छे से समझ चुके हो बेटा, कर चुके थे, ठीक है। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ लगभग 10 मिनट की क्लास के बाद, अब ये वहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये पीछे वाला मैंने आपको क्विक रिवीजन दे दिया, ये कैसे कुछ था। अब जिसको भी पढ़ना है वो लेक्चर सुन के अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएगा बेटा, ठीक है। अब एक बार एक क्वेश्चन है, देखिए सोचिए। यहां पर वी है और यहां पर आई है, दो ग्राफ देते हैं हमने, एक के लिए बी के लिए, ठीक है। दो कंडक्टर है ए और बी, इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ए और बी में से? क्वेश्चन लिखो बेटा, विच हैज मोर रेजिस्टेंस ए एंड ए और बी? ए और बी में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? क्वेश्चन ये है बेटा, ठीक है। आपने क्या किया? एक पॉइंट फिक्स कर दिया यहां पर, ठीक है। और इस पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से ऐसे, ये क्या आ गई वैल्यू? बी वन आ गई, बी बी आ गई, बी के लिए जो पोटेंशियल है वो यहां पर आ गया, ठीक है। और इसके लिए देखा ये इसका क्या आ गया? बी ए आ गया, ए वाला पोटेंशियल आ गया यहाँ से। मैंने क्या किया? आई की वैल्यू क्या कर दी? फिक्स कर दी, और दोनों का
अक्रॉस मैंने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया ए और बी के अक्रॉस, ठीक है। अब आप लोगों को पता है बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, बी अपॉन आई। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं आई को क्या कर दूं, कॉन्स्टेंट कर दूं, तो मेरा आर और बी के बीच में क्या रिलेशन है, अगर मैं आई को कॉन्स्टेंट कर दूं तो आर और बी के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इसका मतलब जिसका वी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब वी ऑफ ए साफ पता लग रहा है ऊपर है वी ऑफ बी से, तो वी ऑफ ए वी ऑफ बी से बड़ा है, यहां से पता लगा क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ ए भी बड़ा होगा रेजिस्टेंस ऑफ। नोट कर लीजिए बेटा, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, हाई हॉट क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर आता है बेटा, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है, तो एक बार नोट कर लीजिए पेजेस पे, एक बार दोबारा समझाऊंगा। हो गया नोट, हो गया, करिए बेटा सोच। हो गया, एक बार फिर से देखो, दोबारा समझा देता हूं। फिर भी ना मैं ये चाहूंगा कि आप में से जो बच्चे भी ये क्लास लगा रहे हैं, शाम को दोबारा लगा लेते हैं इस टॉपिक के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, नहीं तो वीडियो एक बार जरूर सुन लिया इसके द्वारा जो नहीं क्लास था बेटा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एक बार समझ लोगे दोबारा से तो आ जाएगा अच्छे से, मतलब अगर नहीं गया था तब भी चल जाता, क्या पेपर में ऐसी चीजें आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए मेरे को। ये ए है, ये बी है बेटा, इधर बी है इधर आई है, आई की मैंने वैल्यू फिक्स कर दी, तो बी क्या है, ये आया बेटा बी, इधर क्या आया बी। अब आई की वैल्यू मैंने फिक्स किया ना, ये देखो आई मैंने फिक्स कर दिया था आई, ठीक है। तो आर होता क्या बेटा, बी अपॉन आई होता है, आई फिक्स कर दिया, तो इसके बीच में क्या रिलेशन बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बना। अब वी किसका ज्यादा है, ए का या बी का, ए का ज्यादा है, ए ऊपर है, इसका मतलब आर भी किसका ज्यादा होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, थीटा से ही बताऊंगा अभी, पूछा एक बार बेटा, एक बार पूछा। आगे देखो बेटा नेक्स्ट, मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटा, क्वेश्चन ये आप लोग किसका बताएंगे बेटा ज्यादा, ए या बी का, जल्दी से आंसर लिखिए, ए या बी, परिणाम का बी है, दीपांशु ए, रुद्राक्ष बी, रिगांग बी, चेक करते हैं बेटा ए या बी किसका आएगा, ठीक है। इस बारी में मान लो बी को फिक्स कर देता हूं इधर, ये आई क्या आएगा, आई बी, ये क्या आएगा आई, समझ गए इस बात को। इस बारी मैंने किसको फिक्स कर दिया है, बी को फिक्स कर दिया, वोल्टेज को फिक्स कर दिया। अब हमें पता है आर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, बी को आपने जब कांस्टेंट लिया, फिक्स ले लिया, तो दोनों में से अगर देखो मैं आई की
गया बटन ऑन। चलिए एक कंसेप्ट हम थीटा से भी निकाल सकते थे इस रोड का, ये बी है, ये आई है, ये आर होता है, ये जो एंगल होता है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ होता है, और उससे जो टेंजेंट है ये हमें क्या देता है बेटा, ये हमें स्लोप देता है इसका, एंगल थीटा में देता है स्लोप। तो आपको ये पता होना चाहिए जितना बड़ा एंगल होता जाएगा, जितना बड़ा एंगल होता जाएगा उतनी ही टेंजेंट की वैल्यू बड़ी होती जाती है बेटा, उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा। बेटा आप उस तरीके से कर दो बेटा, बहुत इजी रहेगा। इसमें आपको एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे टॉपिक देखते हैं, पहले नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, एडिंग नाउ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, वायर की लेंथ के ऊपर, समझो इस बात को। सेटअप बनाया हमने यहाँ पे, ए बी मेरे पास एक वायर है बेटा, नाइक्रोम वायर दे ली मैंने, ठीक है, एमीटर लगा रखा है मैंने, साथ में बैटरी लगा रखी है, की लगा रखी है, ठीक है। अब मान लो बेटा एक वायर है, ए बी लेंथ, ए बी वायर है, ठीक है, और अब मैंने जैसे की ऑन किया, मैंने देखा कितना करंट गया है इस वायर में से, मान लो इसकी रीडिंग आई 10 एम्पीयर करंट गया इस वायर से, ठीक है, मान लो। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसी वायर के अंदर लेंथ बढ़ा दी इसकी वायर की, हेलो चल चल ले लो आऊंगा, दस मिनट रुक जाओ, क्लास हो रही है, क्लास हो रही है, तो ये समझ आया था, मैंने लेंथ बढ़ा दी वायर की। अब होता क्या है, ज्यादा लेंथ होने की वजह से एक वायर इतनी है, एक वायर इतनी है, तो देखो यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम से आयन से टकराते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं उसी को ही रेजिस्टेंस बोला जाता है। रेजिस्टेंस कब होता है, जब कोलिजन होता है बेटा, जब कोलिजन से क्या होगा उसकी स्पीड में ब्रेक आता है बेटा और करंट कम जाता है बेटा उससे, ठीक है। अब क्या है, जब लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो उसको ज्यादा रास्ता आगे क्रॉस करता है बेटा, तो कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे ना, तो लेंथ अगर बढ़ जाती है वायर की तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजंस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है उसका, ठीक है। तो अब देखेंगे अगर लेंथ बढ़ा दी तो यहाँ पर कितना करंट गया, 5 एम्पीयर करंट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, पहले 10 एम्पीयर करंट जा रहा था, मैंने क्या किया लेंथ बढ़ा दी, करंट कितना गया 5 एम्पीयर, तो इसका मतलब क्या इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। देखो करंट को कम ज्यादा करने के दो तरीके होते हैं, करंट को कम ज्यादा करने के दो तरीके होते हैं, क्या पहला तरीका क्या है, वोल्टेज बढ़ा दो या कम कर दो,
वोल्टेज बढ़ाओगे कम करोगे उससे उसके क्रॉस करंट कम ज्यादा हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर दो बेटा, ठीक है, रेजिस्टेंस कम करोगे करंट ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा करोगे करंट कम हो जाएगा बेटा, राइट। तो आपको पता लग गया कि लेंथ बढ़ाने से वायर के अंदर कोलिजन ज्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, जिससे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट कम हो जाता है, राइट। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उसमें लिख लेना ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के बेटा, सिंपल सी बात समझ लो, ठीक है। ऐसा क्यों, लेंथ बढ़ती है तो क्या बढ़ते हैं, कोलिजंस बढ़ते हैं, कोलिजंस बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए होगे, सारा कुछ नोट कर लीजिए बेटा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन से आते हैं, वायर के एक वायर ये है, दूसरी वायर ये है, दोनों का थिकनेस सेम है वायर की बेटा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, बी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बेटा, करंट किस में से ज्यादा करेगा, ए में से ज्यादा फ्लो करेगा। समझ गया ना बेटा, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, समझ आ रही है बेटा, नोट कर लीजिए लेंथ पर। करे सेकंड, ठीक है, सेकंड है बेटा, पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब थिकनेस से होता है उसकी, वायर की थिकनेस, एक वायर तो ये है बेटा और एक वायर ये है, लेंथ मैंने दोनों सेम ले ली, किसमें से इजिली करंट फ्लो करेगा, नीचे वाली से करेगा बेटा, क्यों, बिकॉज सिंपल सी बात है, अब इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए ज्यादा रास्ता नहीं मिल गया, कोलिजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा, कोलिजन कम होंगे, कोलिजन कम होंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में थिकनेस बढ़ गई वायर की, पहले तो ये थी कितनी थिकनेस थी, अभी ये थिकनेस है वायर, डायमीटर बढ़ गया वायर का मतलब, ठीक है, एक 1 mm की वायर है, 3 mm 4 mm की वायर है, एसी में जो वायर यूज होती है बेटा वो ज्यादा थिकनेस की होती है, क्यों, उसके अंदर से ज्यादा करंट फ्लो कराना है हमारे को, ठीक है, उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए बेटा, समझ गए ना, तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि थिकनेस के साथ क्या होता है, देखो मतलब रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो अगर एरिया बढ़ेगा मतलब थिकनेस बढ़ेगी अगर, तो क्या होगा, कोलिजंस क्या हो जाएंगे बेटा, लेस हो जाएंगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एरिया बढ़ेगा, थिकनेस ज्यादा हो गई, कोलिजंस कम, रेजिस्टेंस कम और करंट बेटा ज्यादा हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा करिए शुरू, करो बेटा करो शोश, थर्ड आता पॉइंट बेटा टेम्परेचर, रेजिस्टेंस तीसरा फैक्टर इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर, पता क्या होता है, देखो जब टेम्परेचर बढ़ेगा
जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो तेज फास्ट मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे तो एक दूसरे से जल्दी टकराएंगे बेटा, ठीक है। कोलिजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, बोला रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब सिंपल सी बात, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजंस क्या हो जाएंगे, फास्ट, कोलिजंस फास्ट होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा और करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी क्या करता है, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना इसको अपने आप, नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। चलिए फोर्थ पॉइंट का, फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, मतलब मान लो एक सेम लेंथ की वायर ली आपने, ये वायर किसकी बनी हुई थी, नाइक्रोम की बनी हुई थी, एल लेंथ थी इसका, एरिया प्रोसेशन ए था, तो एक और सेम लेंथ की आपने एक और वायर दे ली, इसका एरिया प्रोसेशन ए है, लेंथ एल ही है, ठीक है। तब क्या देखोगे, एक वायर आपने ली नाइक्रोम की बनी हुई, दूसरी वायर आपने ली बेटा कॉपर की बनी हुई, मान लो क्या होगा, मान लो ये 10 ओम रेजिस्टेंस शो कर रही थी तो ये कर रही है 5 ओम ओनली, तो ये जो रेजिस्टेंस शो कर रही है दोनों, ये नेचुरल रेजिस्टेंस है, इनके अंदर नेचुरल रेजिस्टेंस का मतलब ये मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस भी होता है बेटा। कॉपर की जो कॉपर जो है वो कम रेजिस्टेंस शो करता है, जबकि ये जो नाइक्रोम है वो ज्यादा करता है, मतलब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग नेचुरल रेजिस्टेंस होता है, खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है बताइए, ठीक है बेटा। तो अलग अलग वायर का अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लिख लीजिए नेचर ऑफ मटेरियल, लिखिए बेटा नेचर ऑफ मटेरियल, डायग्राम बना लेना बेटा। डिफरेंट मटेरियल्स है डिफरेंट नेचुरल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, अलग अलग मटेरियल का क्या होता है, अलग अलग हो गया बेटा, ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो ये चार फैक्टर थे बेटा जिसके ऊपर, चौथा बता दिया ना रेजिस्टेंस, ये टेम्परेचर बता दिया था, ये फोर्थ था बेटा नेचर ऑफ मटेरियल, तो चार पॉइंट थे बेटा जिसके ऊपर इस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता था। दोबारा बता देता हूं एक बार फिर से, पहला लेंथ ऑफ मटेरियल, लेंथ जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। दूसरा बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जितनी ज्यादा थिकनेस उतना रेजिस्टेंस कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का क्या होता है, अलग अलग नेचुरल रेजिस्टेंस होता है। तो इन चार फैक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। समझ आया नहीं है बेटा, तो ये था हमारा आज का मेन टॉपिक बेटा, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, राइट। चलिए इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे 5 मिनट का बस, क्या है बेटा वो देखो, हमें पता लगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L,
आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा, एल बाय ए। अगर मैं इन दोनों कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ठीक है। अगर इसको हटाते हैं तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट है ये बेटा, ये इस सिंबल को बोलते हैं आर एच रो, रो बोला जाएगा, ठीक है, रो। और इसका नेम होता है सिंबल का रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। एक और नेम क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नोट कर लीजिए बेटा, जहां सारा लिखा है R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A, combine कर दिया L by A, R is equal to rho L by A, rho क्या होता है, resistivity या specific resistance, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा इसकी definition, इसकी डेफिनेशन रेजिस्टिविटी। अभी हमने सीखा R is equal to rho L by A, यहां से मैं रो निकालना चाहता हूं, रो क्या आएगा बेटा, R into A, इसके इक्वल आ जाएगा रो into L के, ये उधर चला गया बेटा, रो क्या आ जाएगा R into A by में L, ये आएगा ना, रो क्या आएगा R into A by में, ठीक है। तो अब समझो बेटा ये जो रो है रेजिस्टिविटी है किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के ही इक्वल होता है, ये रेजिस्टेंस ही होती है एक तरह की। जब एरिया कितना ले लूं, एरिया क्रॉस सेक्शन को मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, लेंथ कितनी ले लूं वायर की, अगर मैं क्या करूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर दे लूं, देखो अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर दे लूं, लेंथ को 1 मीटर दे लूं, तो ले लो आर इंटू में 1 बाय 1, ठीक है। तब ये जो वन बाय वन वन ही रहने वाला है, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा उसके, इसमें रो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस ही होता है एक तरह का, लेकिन कितनी वायर की लेंथ कितनी लेनी होती है हमें, 1 लेनी होती है, और एरिया कितना लेना होता है 1 मीटर स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। तब उस टाइम जो रेजिस्टेंस करता है वायर का, उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो लिखो रेजिस्टिविटी इज द, इसलिए इसको बोला गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी उस पॉइंट पे जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है। कंडीशन क्या है, एरिया कितना लेना है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी लेनी है 1 मीटर लेनी है, यूनिट लेनी है दोनों, ठीक है। तो लिखो बेटा रेजिस्टिविटी इज सेड टू बी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर and area of cross section 1 meter square. It is a resistance offered by the wire conductor having length 1 meter and area of cross section 1 meter square. Length कितनी होगी? 1 meter, और area of cross section कितना होएगा? 1 meter square होएगा। अगर मैं SI unit निकालूँ इसकी बेटा, देखो SI unit resistivity। अभी हमने देखा ये resistivity है किसके इक्वल? R into A by A, resistance के से unit ohm, area के meter square, length की meter, meter से एक meter कट गया, क्या आगे बेटा ohm meter, SI unit of resistivity is ohm meter, ohm meter, SI unit of resistivity is ohm meter, ठीक है। जितना भी हमारा ये टॉपिक हो गया बेटा, इसको आपने रिवाइज करना है। कल पहले 10 मिनट में मैं इस टॉपिक को सुनूंगा, रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।